नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दबंग लॉयर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका दोस्त एडवोकेट हर्षवर्धन देशमुख फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्पेशल मेजर्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी ऑफ स्टेट, जो कि महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 1951 का चैप्टर 5 का क्या है पार्ट है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे शुरू करते हैं, और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि ज़्यादा सेक्शंस है। हम सिर्फ सेक्शंस को ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 1951 के चैप्टर 5 में कुछ खास प्रोविजंस दिए गए जो पब्लिक ऑर्डर और स्टेट की सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए। ये प्रोविजंस एडिशनल पुलिस डिप्लॉयमेंट, डैमेजेस के लिए कॉम्पनसेशन, और ऐसे लोगों या ग्रुप्स के अगेंस्ट प्रिवेंटिव एक्शंस को रेगुलेट करते हैं जो पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा हो सकते हैं, ठीक है? इन जो प्रोविजंस है, ये जो स्पेशल मेजर्स है, इसका ओवरव्यू हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 47, जो बात करता है एडिशनल पुलिस ऑन एप्लीकेशन। तो अब इसमें जो सेक्शंस का जो कंटेंट है वो मैं रेड नहीं करूँगा, सीधे तौर पर एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि सेक्शंस भी बहुत ज़्यादा है तो वीडियो बहुत ही लंबा बनेगा, ठीक है? तो सेक्शन 47 कहता है, कोई भी व्यक्ति या संस्था एडिशनल पुलिस की रिक्वेस्ट कर सकता है ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। ये आमतौर पर पब्लिक इवेंट्स या ऐसे एरियाज में होता है जहाँ शांति खतरे में हो, ठीक है? शांति लड़की का नाम नहीं, ठीक है? तो इसकी जो कॉस्ट होगी एप्लीकेंट को भुगतनी पड़ेगी, जो भी कॉस्ट आएगी, और अगर उन्हें एडिशनल पुलिस की ज़रूरत नहीं है तो उन्हें अथॉरिटीज़ को एक रिटर्न नोटिस देना होगा, जो पुलिस को एक निर्धारित समय के बाद विदड्रॉ करेगा, ठीक है? तो अगर कोई पुलिस रिक्वेस्ट करता है एडिशनल पुलिस, तो उनको मिलेगी, उसका जो कॉस्ट होगा वो एप्लीकेंट भरेगा, और अगर उनको ज़रूरत नहीं है एडिशनल पुलिस की तो उनको एक रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा, फिर निर्धारित समय के बाद पुलिस क्या करेगी, उसको विड्रॉ करेगी। सेक्शन 48 बात करता है एडिशनल पुलिस फॉर लार्ज वर्क्स और पब्लिक इवेंट्स। तो ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई लार्ज स्केल वर्क्स या पब्लिक गैदरिंग्स है जो ट्रैफिक या पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट कर सकती है तो एडिशनल पुलिस का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर वर्कर्स या पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर के लिए कंसर्न है तो अथॉरिटीज एक्स्ट्रा पुलिस डिप्लॉय कर सकती है। इसकी कॉस्ट उन व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन पर होती है जो इवेंट या प्रोजेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब जो इवेंट्स या जो वर्क या जो इवेंट जो कर रहे हैं, मतलब, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबल हो गए उसके कॉस्ट के लिए। नेक्स्ट सेक्शन सेक्शन 49 जो बात करता है डिस्प्यूट ओवर कॉस्ट की, ठीक है? तो ये सेक्शन कहता है अगर एडिशनल पुलिस की कॉस्ट को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या रिलेवेंट अथॉरिटी उनका फैसला आखिरी होता है। कोई भी अनरिजॉल्व कॉस्ट लैंड रिवेन्यू के अरियर्स के रूप में रिकवर किया जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट सेक्शन सेक्शन 50 एडिशनल पुलिस इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। तो ये सेक्शन बात करता है कि अगर कोई एरिया डेंजरस या डिस्टर्ब माना जाता है तो गवर्नमेंट वहाँ एडिशनल पुलिस डिप्लॉय कर सकती है। इसकी कॉस्ट वहाँ के रेजिडेंट्स, बिजनेसेस या प्रॉपर्टी ओनर से टैक्स के रूप में रिकवर की जाती है। गवर्नमेंट कुछ व्यक्तियों को इन कॉस्ट से एग्जेम्प्ट भी कर सकती है, ठीक है? नेक्स्ट सेक्शन सेक्शन 51 कॉम्पनसेशन फॉर इंजुरी कॉज्ड बाय अनलॉफुल असेंबलीज। तो सेक्शन 51 कहता है अगर अनलॉफुल असेंबली की वजह से प्रॉपर्टी डैमेज, इंजुरी या डेथ होती है तो गवर्नमेंट एरिया को डिस्टर्बेंस एरिया डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है? डैमेज का कॉम्पनसेशन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा असेस किया जाता है, जो डिसाइड करता है कि कितना देना है और किसको देना है, क्या जो टैक्स या जो कॉम्पनसेशन है। तो रेजिडेंट्स, लैंडलॉर्ड्स या बिजनेस को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से कॉम्पनसेशन पे करना पड़ सकता है। कुछ व्यक्तियों को कॉम्पनसेशन से एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। सेक्शन 52 बात करता है अवार्ड ऑफ कॉम्पनसेशन, ठीक है? तो सेक्शन 52 क्या कहता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ डिसाइड करता है कि कॉम्पनसेशन कैसे अवार्ड किया जाएगा और किसको दिया जाएगा, ठीक है? किसको कॉम्पनसेशन देगा और किसको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, कौन डिसाइड करेगा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ, और क्लेम्स को 45 दिन के अंदर फाइल करना पड़ता है।
कॉम्पनसेशन क्लेम्स को 45 दिन के अंदर क्लेम करना पड़ता है। नेक्स्ट सेक्शन सेक्शन 53 जो बात करता मतलब फंक्शंस ऑफ द चीफ प्रेसिडेंसी और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो सेक्शन 53 कहता है चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सेक्शन 51 और 52 के अंतर्गत अपने ड्यूटीज़ को अंजाम देते हैं। इनका काम स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिए गए जनरल या स्पेशल ऑर्डर्स के अनुरूप होते हैं। सेक्शन 54 बात करता है रिकवरी ऑफ कॉस्ट एंड कॉम्पनसेशन। तो इसमें लिखा है अगर एडिशनल पुलिस या अनलॉफुल असेंबली से होना वाला डैमेज होने वाले डैमेजेस की कॉस्ट सेक्शन 50 या 51 के तहत लगाई जाती है तो लैंडलॉर्ड्स टिनेंट से राइट टैक्स का 75% रिकवर कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 55 डिस्पर्सल ऑफ गैंग्स और बॉडीज ऑफ पर्सन्स। तो ये सेक्शन 55 कहता है अगर गैंग्स या ग्रुप्स पब्लिक अलार्म या सस्पिशन क्रिएट करते हैं तो अथॉरिटीज़ खासकर अथॉरिटीज़ क्या कर सकते हैं, अथॉरिटीज़ को इन गैदरिंग्स को डिस्पर्स करने का अधिकार होता है। इन ग्रुप्स के लीडर्स को एरिया छोड़ने या शांत रहने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, अगर गैंग्स या ग्रुप्स पब्लिक अलार्म या सस्पिशन क्रिएट करते हैं तो अथॉरिटीज़ को इन गैदरिंग्स को डिस्पर्स करने का अधिकार होता है। सेक्शन 56 रिमूवल ऑफ पर्सन अबाउट टू कमिट एन ऑफेंस। तो सेक्शन 56 कहता है अथॉरिटीज किसी व्यक्ति को जो पब्लिक अलार्म या ऑफेंस के खतरे का कारण बन रहा है उनको ऑर्डर कर सकती है कि वो एरिया छोड़ दे। एक खास तौर पर आईपीसी के चैप्टर्स 12 16 या 17 के ऑफेंसेस के लिए होते और ऐसे एक्शंस जो पब्लिक ऑर्डर या इसेंशियल कम्युनिटीज की सप्लाई को थ्रेटन करते हैं। तो क्या अथॉरिटीज़ किसी व्यक्ति को जो पब्लिक अलार्म या ऑफेंस के खतरे का कारण बन रहा है ऑर्डर कर सकती है कि वो क्या करे, वो एरिया छोड़ दे। यही मतलब है इस सेक्शन का। सेक्शन 57 जो बात करता है रिमूवल ऑफ पर्सन्स कन्विक्टेड ऑफ सर्टन ऑफेंसेस। तो सेक्शन 57 कहता है वो लोग जो स्पेसिफिक सेक्शंस ऑफ आईपीसी प्रोहिबिशन बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट और दूसरे स्टैट्यूट्स के अंतर्गत कन्विक्शंस लेते हैं उन्हें कुछ एरियाज छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 57A रिमूवल ऑफ डिक्लेयर्ड बेगर्स। तो ये सेक्शन 57A कहता है जो लोग बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट के अंतर्गत बेगर्स डिक्लेयर किए गए हैं उन्हें कुछ एरियाज से रिमूव किया जा सकता है जब तक कि वो स्टेट गवर्नमेंट के प्रोविजंस के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट नहीं एक्सेप्ट करते। नेक्स्ट सेक्शन सेक्शन 58 पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ऑर्डर्स। तो सेक्शन 58 कहता है सेक्शंस 55 56 57 या 57A के अंतर्गत दिए गए ऑर्डर्स किसी व्यक्ति को एरिया छोड़ने के लिए दिया जा सकता है और ये ऑर्डर्स 2 साल तक वैलिड रहते हैं। ठीक है, मतलब जो सेक्शंस हम अभी मैंने कहा 56 57 57A के अंतर्गत ऑर्डर दिए जा सकते हैं एरिया छोड़ने के और 2 साल तक ये वैलिड रह सकते हैं। सेक्शन 59 जो है वो है हियरिंग बिफोर पासिंग ऑर्डर्स। ठीक है, तो सेक्शन 59 कहता है सेक्शंस 55 56 57 या 57A के अंतर्गत ऑर्डर देने से पहले कंसर्न्ड अथॉरिटी को व्यक्ति को एलिगेशंस के बारे में इन्फॉर्म करना होता है और उन्हें एक्सप्लेनेशन देने का मौका देना होता है। इस प्रोसेस में व्यक्ति को लीगल रिप्रेजेंटेशन का हक होता है और विटनेस को भी एग्जामिन किया जा सकता है। ठीक, सेक्शन 60 बात करता है अपील प्रोसेस। तो आमतौर पर अगर किसी व्यक्ति को सेक्शन 55 56 57 या 57A के अंतर्गत ऑर्डर से तकलीफ होती है तो उन्हें स्टेट गवर्नमेंट के पास 30 दिन के अंदर अपील करने का हक होता है। सेक्शन 61 प्रोसीजर फॉर फेल्योर टू लीव द एरिया और री एंट्री आफ्टर रिमूवल। तो सेक्शन 61 बात करता है अगर कोई व्यक्ति जो सेक्शन 55 56 57 या 57A के अंतर्गत ऑर्डर से एरिया छोड़ने के लिए बोला गया है अगर वो नहीं छोड़ता या बिना परमिशन के वापस आता है तो उन्हें अरेस्ट करके एरिया से बाहर भेजा जा सकता है। सेक्शन 2 में अथॉरिटी उन्हें कुछ कंडीशंस के अंतर्गत टेम्पररी रिटर्न की परमिशन दे सकती है। अगर व्यक्ति इन कंडीशंस का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें दोबारा अरेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन सेक्शन 63 टेम्पररी परमिशन टू री एंटर इन एरिया।
तो सेक्शन 63 कहता है स्टेट गवर्नमेंट या किसी ऑथराइज्ड ऑफिसर को उन लोगों को टेम्परेरी रिटर्न की परमिशन देने का अधिकार होता है जो एरिया छोड़ने के लिए ऑर्डर किए गए हैं, लेकिन इन कंडीशंस को कभी भी रिवोक किया जा सकता है। अगर व्यक्ति कंडीशंस का उल्लंघन करता है या अलाउड टाइम के बाद नहीं छोड़ता तो उन्हें दोबारा अरेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 63AA एक्सटर्नमेंट पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सेक्शन कहता है स्टेट गवर्नमेंट या किसी ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास वही पावर्स हैं जो कमिश्नर्स या मैजिस्ट्रेट्स के पास है सेक्शन 55, 56 और 57 के अंतर्गत, उन व्यक्तियों को एरिया छोड़ने और वापस नहीं आने के लिए ऑर्डर्स देने का अधिकार है। इन ऑर्डर्स के लिए भी अरेस्ट और रिमूवल की प्रोसीजर लागू होती है। तो क्या कहा मैंने, स्टेट गवर्नमेंट या किसी ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास वही पावर्स है जो कमिश्नर या मैजिस्ट्रेट के पास है, और सेक्शन 55, 56 और 57 के अंतर्गत, जिससे उन्हें व्यक्तियों को एरिया छोड़ने और वापस नहीं आने के लिए ऑर्डर देने का अधिकार है। किसको अधिकारी है? स्टेट गवर्नमेंट या ऑथराइज्ड ऑफिसर्स को, ठीक है। सेक्शन 63 कंट्रोल ऑफ कैंप्स एंड यूनिफॉर्म्स, ठीक है। तो सेक्शन 63 कहता है गवर्नमेंट ऐसे मीटिंग्स असेंबलीज या परेड्स को बैन कर सकती है जो आर्म्स या मिलिट्री एक्सरसाइज इन्वॉल्व करते हैं, अगर ये पब्लिक सिक्योरिटी को थ्रेटन करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऐसे मीटिंग्स असेंबलीज या परेड्स को बैन कर सकती है जो आर्म्स या मिलिट्री एक्सरसाइज इन्वॉल्व करते हैं अगर ये पब्लिक सिक्योरिटी को थ्रेटन करते हैं। इसके अलावा कुछ सर्कमस्टांसेस में पुलिस या मिलिट्री यूनिफॉर्म्स पहने पर भी रोक लगा सकती है, ठीक है। अब लास्ट सेक्शन है सेक्शन 63B विलेज डिफेंस पार्टीज। तो ये सेक्शन कहता है कि डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट्स को लोकल एरियाज की रक्षा के लिए वॉलेंटरी विलेज डिफेंस पार्टीज बनाने का अधिकार होता है। ये मेंबर्स जो 20 से 25 साल के होते हैं ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं और पुलिस द्वारा डायरेक्टेड होते हैं, ठीक है। 20-25 साल होते हैं, वॉलेंटरी होते हैं, उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, ठीक है। तो इन समरी, महाराष्ट्र पुलिस एक्ट पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स प्रोवाइड करता है जिसमें एडिशनल पुलिस की डिप्लॉयमेंट डैमेजेस के लिए कॉम्पनसेशन और अथॉरिटीज को प्रिवेंटिव एक्शंस लेने का अधिकार देना शामिल है, ताकि वो लोग या ग्रुप्स जो पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा हो सकते हैं उनके अगेंस्ट एक्शंस ले सके, ठीक है। तो आई होप सेक्शंस आपको समझ में आए हो, मैंने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो गया क्योंकि बहुत ही बोरिंग टॉपिक है, ऐसा सच कुछ खास समझ में नहीं आता, ठीक है। तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और क्रिमिनल माइनर एक्ट्स के नोट्स आपको हर दिन मिलते रहेंगे, ठीक है। एंड महाराष्ट्रातली मंडळी, जरा लाइक करा, शेयर करा आणि सब्सक्राइब जरूर करा, बरं का, ठीक आहे। मिळू पुढच्या व्हिडिओत, ठीक आहे, चला बाय।